नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोहित। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत आ चुके हैं और 4-5 मई को गोवा में होने वाली विदेश मंत्रियों की बैठक में वो हिस्सा ले रहे हैं। बिलावल भुट्टो पर सबकी नजरें हैं क्योंकि वो क्या मुद्दा उठाते हैं ये सब जानना चाह रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा से खराब रहे हैं, ऐसे में बिलावल भुट्टो क्या फिर से एक बार कश्मीर राग अलापते हैं या फिर नहीं। इस बीच बिलावल भुट्टो जैसे ही भारत पहुंचे उनका स्वागत किया गया, लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें बड़ा झटका दे दिया है। आपको बता दें कि बिलावल भुट्टो बड़ी उम्मीदों के साथ भारत आए थे और वो उम्मीद जता रहे थे कि द्विपक्षीय वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी मुलाकात हो सकती है। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि बिलावल भुट्टो की मुलाकात एस जयशंकर से नहीं होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनके मुलाकात का कोई भी प्लान नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा झटका पाकिस्तान और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को लगा है, क्योंकि भारत उनके साथ कोई भी द्विपक्षीय वार्ता नहीं करना चाहता है। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की उम्मीदों पर किस तरीके से पानी फिर गया है। आपको यह भी बता दें कि ये तकरीबन 12 सालों बाद पाकिस्तान के किसी विदेश मंत्री की भारत यात्रा है और इससे पहले हिना रब्बानी खार भारत आई थी और अब यहाँ पर बिलावल भुट्टो आए हैं। तो वही खबरें थी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन अभी तक इसको लेकर स्थिति साफ नहीं हुई है और कहा जा रहा है कि एस जयशंकर और बिलावल भुट्टे की मुलाकात नहीं होगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया और कहा गया कि SCO विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान बिलावल भुट्टो की मुलाकात दूसरे मित्र राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों के साथ होगी। दोनों तरफ के विदेश मंत्रालयों के अधिकारी इस बात को खारिज कर चुके हैं कि विदेश मंत्रियों की आधिकारिक बैठक को लेकर कोई प्रस्ताव किया जाएगा। वहीं भारत की तरफ से भुट्टो के साथ मुलाकात को वरीयता नहीं दिए जाने के पीछे एक कारण कर्नाटक चुनाव भी है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार में इस वक्त धार्मिक एंगल घुस चुका है, अब BJP किसी भी तरीके से एस जयशंकर की मुलाकात बिलावल भुट्टो से करवा कर कांग्रेस को कोई भी मौका नहीं देना चाहती है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के रिश्ते भी अच्छे नहीं हैं, तो इस वजह से भी बिलावल भुट्टो की मुलाकात एस जयशंकर से नहीं होगी, ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। आपको बता दें कि गोवा के बेनोलिम के खूबसूरत समुद्र तट पर स्थित आलिशान ताज एक्जोटिका रिसोर्ट में 4 और 5 मई को बैठकें आयोजित होंगी और 4 मई को रात्रिभोज के दौरान सभी देश के विदेश मंत्री वहां पर मिलेंगे और औपचारिक और अनौपचारिक तौर पर बातचीत के यहां पर कई मौके भी आपको दिखेंगे। लेकिन भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा नहीं लेंगे और दोनों की 1-to-1 वार्ता नहीं होगी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। वहीं भारत आने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ गोवा पहुंचा हूँ। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शिरकत करना, पाकिस्तान का डेलीगेशन को लीड करना, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो हमारा SCO का CFM है वो बहुत ही कामयाब होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।